गिनती के दिन हैं तो तुम में से जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में और जिन्होंने जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदला दें एक मिसकिन का खाना फिर जो अपनी तरफ से निकी करे तो वो उससे बेहतर है और रोज़ा तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है अगर तुम जानो तो आइए व्यर्ज आज हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं लाभ आस कलाम से हमने इसका आगाज़ किया है और इस वीडियो में मैंने एक्सेल में फितरा और फिदिया इसके मैंने जो इस दफ़ा का निसाब है मैंने मेंशन कर दिया है और इसके लिए मैंने रहनुमाई ली है सबक हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान उनके जो रेट जो उन्होंने बताए हैं उसके मुताबिक उनकी रहनुमाई के मुताबिक मैंने तमाम रेट लिए हैं और वो आपकी स्क्रीन पर सामने उनका लेटर भी नज़र आ रहा है तो ये तमाम रेट्स मैंने एक टेबल में मेंशन कर दिए हैं अब हम इसके हिसाब से जितने दिन का हमें फितरा या फिदिया जितने अफ़राद का फितरा देना हो या फिदिया देना हो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसके लिए हम ये करेंगे कि मैंने यहाँ एक नीचे बना दिया है नीचे एंट्री बॉक्स बना दिया है इसमें हम दिनों की तादाद लिखेंगे जब हम दिनों की तादाद लिखेंगे तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेट कर देगा हमें मुख्तलिफ अजनास की सूरत में मिसाल के तौर पर गंदम के आटे की के, के रेट के हिसाब से अगर हम देंगे तो हमारा कितना अमाउंट बनेगा जौ के हिसाब से कितना होगा खजूर के हिसाब से कितना होगा और कशमिश दर्जा अव्वल के हिसाब से कितना होगा और कश्मिश दर्द बोम के हिसाब से क्या क्या होगा तो इसमें गंदम का आटा दो किलो होता है और जौ चार किलो खजूर चार किलो खिशमिश भी चार किलो है तो हम यहाँ पर जो भी दिन होंगे उसके हिसाब से हम जो भी अमाउंट आएगा इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मल दिन लिख लेते हैं जैसे मिसाल के तौर पर मैं पंद्रह दिन लिख रहा हूँ या पंद्रह अफसाद का मुझे वो फ़ित निकालना है तो यहाँ पर हम आएँगे एक का निशान लगाएँगे और इस सेल का रेफरेंस डेस्क को हम फिक्स कर देंगे क्योंकि हर हर दफा में यहीं से उठाना है वैल्यू तो हम इसको कॉपी करते हैं और ये नीचे तक पेस्ट कर देते हैं अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस रेट से इक्वल टू लगाया हमने सेल का रेफरेंस और जो इसका रेट है पर डे वो हमने लगा लिया ये आ गया गंदम के आटे के हिसाब से अब हम इसको कॉपी कर दें यह मैंने इसको कॉपी कर दिया अब आप देखें कि अगर मुझे पंद्रह दिन का फितरा या फिदिया देना हो गंदुम के हिसाब से चार हज़ार आठ सौ चौक के हिसाब से सात हज़ार दो सौ हजूर के हिसाब से बयालीस हज़ार किशमिश दर्जा अव्वल के हिसाब से छियानवे हज़ार और किश दर्जा दो के हिसाब से बहत्तर हज़ार रुपये होंगे और इसको अगर हम चेंज करेंगे यहाँ पर जैसे ही आप दिन डालेंगे ऊपर हमें उसके मुताबिक जो है हर एक का अमाउंट कैलकुलेट होकर उसके सामने नज़र आ जाएगा अब हम जिस हिसाब से भी चाहें उसको अदा कर सकते हैं लेकिन इसमें एहतियात ये है कि हम इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लें तो वो हमारे हक़ हाँ में ज़्यादा बेहतर है तो ये मैंने इसकी कैलकुलेशन बनाई है बाकी किसी भी मज़हबी रहनुमाई और कुछ इसके बारे में जानने के लिए किन लोगों पर किस तरह से और जो इसके मसाइल हैं दीगर मसाइल को मालूम करने के लिए मुस्त आम दीन की वीडियो देखें या उनसे रुजू करें मुफ्ती मुनीबरम साहब हैं उनकी मैंने रहनुमाई हासिल की है इसमें उनके चार्ट के मुताबिक ही मैंने तमाम कैलकुलेशन बनाई हैं तो ये तो फ़रे का और फदीए का था इसी तरह कुफ़ारा है कुफ़ारे की रकम भी हमने उसी के हिसाब से सामने लिख दी है जो भी अजनास हैं जो गुड्स हैं उसके हिसाब से हमने लिख दी है इसी तरह कुफ़ार कसम है उसकी भी हमने लिख दी है तमाम रेट्स ये अब आप इसके हिसाब से यहाँ पर रेट को देख सकते हैं और ये नीचे हमने चार्ट बना दिया था जितने भी हमें देना का निकालना होगा उसके हिसाब से हम लिखेंगे और इसको हम यहाँ से मेंशन करके निकाल सकते हैं ये नीचे दिए हुए जो जॉन्ट एंट्री बॉक्स मैंने बनाया है एरो का निशान लगा दिया है यहाँ पर आप जितने भी दिनों का लिखेंगे उसके हिसाब से हम इतने ही दिन का कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा अब आप जिसमें मुनासिब समझें उसे अदायगी कर सकते हैं तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए अल्लाह पाक हमें तमाम फ़्राइज और तमाम जो भी हमारे ज़िम्मे वाजबात हैं उसको अदा करते कि तौफ़ अदा फरमाए आमीन अगर इसमें कोई आप गलती देखें या आपको कोई कमी नज़र आए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिए ताकि मेरी रहनुमाई हो और मैं इसको सही कर सकूँ और बाकी मैंने आपको जैसा पहले बताया था दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी भी मज़हबी रहनुमाई के लिए आप किसी मुस्क आलम दिन से रजू करें ये सिर्फ़ मैंने कैलकुलेशन के लिए चार्ट बनाया है और जो इस दफा दो हज़ार तेईस के जो निसाब जो मुक्र किया गया है उसके मुताबिक मैंने इसको तरतीब दिया है उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो